फाइनली सर सोनम वांगचुक ने अपना 21 डे फास्ट तोड़ दिया। आपको बता दें कि सर सोनम वांगचुक जो कि पिछले 21 दिनों से लद्दाख में हंगर स्ट्राइक पर थे, यानी इतनी ठंड में वे सिर्फ नमक और पानी के सहारे स्ट्राइक पर थे, पर फिर भी इन्हें न किसी मीडिया ने अच्छी कवरेज दी और न ही गवर्नमेंट ने अपना ध्यान इनकी ओर लाया। हालांकि वे इस स्ट्राइक को रोकना नहीं चाहते थे, इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस स्ट्राइक को टिल डेथ एक्सटेंड कर दिया जाएगा, पर काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने 26 मार्च को अपनी स्ट्राइक ख़त्म की। स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आई विल बी बैक सून, और कल से लद्दाख की महिलाओं का ग्रुप इस स्ट्राइक को अगले 10 दिन के लिए आगे बढ़ाएगा, फिर लद्दाख के यूथ, देन मॉन्क्स, उसके बाद फिर वे खुद भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ये कारवां चलता रहेगा। इस स्ट्राइक के पीछे की वजह है लद्दाख को लेके उनके कुछ डिमांड्स। इन मेजर डिमांड्स में से पहला है लद्दाख को स्टेटहुड प्रोवाइड करना, जिससे कि लद्दाख के दो जिले लेह और कारगिल को संसदीय क्षेत्र बनाया जा सके, ताकि वहाँ इलेक्शंस हो सके, ताकि लद्दाख के लोग अपना चीफ मिनिस्टर और अपने यूटी के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, जैसा कि दिल्ली में होता है। दूसरे नंबर पर है लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करना, जिससे कि वे लोग असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जैसे अपनी कल्चर, सोसाइटी, रिजुअल्स एंड रिसोर्सेज की सेफ्टी के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बना सकें। और तीसरा है उनका अपना पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि अदर स्टेट्स लाइक बिहार में BPSC है, महाराष्ट्र में MPSC है, झारखंड में JPSC है, वैसे भी उनका एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जिससे कि वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिले और जो भी लोग वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे वे उसी इन्वायरमेंट और कल्चर का हिस्सा रहे, क्योंकि वे लोग ही उस एरिया के कल्चर को और प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और उसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में लद्दाख के मैनिफेस्टो में ऐसे बहुत सारे वादे किए थे, जो कि BJP के मैनिफेस्टो में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 6th शेड्यूल वाली बात यहाँ तीसरे नंबर पर ही है। भारत सरकार के इन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए आज पूरा लद्दाख सर सोनम वांगचुक के साथ 6 मार्च से ही प्रोटेस्ट कर रहा था। मीडिया तो अपना काम नहीं कर रही, पर हम अपने अपने घरों में बैठकर अगर इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी कर दें तो शायद इनकी बहुत हेल्प हो जाएगी, और शायद हम सबके थोड़े से एफर्ट से लद्दाख की आवाज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचे और वे लोग इनके डिमांड्स को सुने और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो गाइस, शेयर दिस वीडियो एज मोर एज यू कैन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।